आज हम जानेंगे सूचर्स के बारे में। तो ये हमारे पास अलग अलग साइज के और अलग अलग प्रकार के सूचर हैं। तो हम जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर सूचर यूज करते हैं, तो जो बहुत सारे जो नए स्टाफ आते हैं तो उनको ये लगता है कि हम सूचर कौन सा और कब किस जगह पे कौन सा सूचर यूज करना है। तो हमारे पास जो सूचर है ये कुछ होते हैं ऑब्जॉर्वेबल, कुछ नॉन ऑब्जॉर्वेबल होते हैं, और कुछ की जो नीडल होती है वो कटिंग में होती है, कुछ की राउंड बॉडी में होती है। तो जो नए लोग रहते हैं तो उनको नहीं पता कि कब कौन से सूचर को किस प्रकार की नीडल को यूज करना। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सूचर मटेरियल के बारे में। दूसरा हम जानेंगे कौन कौन सा हम कॉमन सूचर यूज करते हैं सर्जरी के अंदर, जैसे कि सिल्क हुआ, नायलॉन, प्रोलिन, तो इनके बारे में जानेंगे। और दूसरा जानेंगे कि हम जो सूचरिंग की जो टेक्निक है वो क्या है, कितनी प्रकार से हम सूचरिंग कर सकते हैं। अगला जानेंगे कि जो सूचर है वो कौन सी जगह पे किस साइज का सूचर यूज करना है हमें, और जो सूचर हम करते हैं तो उसको कितने दिन में रिमूव करना है, जैसे कि हमें हाथ का कितने दिन में रिमूव करना है और जो हमारे चेहरे का है तो वो कितने दिन में रिमूव करना है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये अलग अलग प्रकार के साइज के और कलर में ये डिब्बे हैं सूचर के। तो यहाँ पे इनका ये कलर दे रखा है, दूसरा यहाँ पे उनकी साइज दे रखी है और नीडल की दे रखी है, इनके बारे में जानेंगे। ये हमारे पास कुछ सिल्क हैं और ये वाइक्रिल है, ये वायलेट कलर में, और ये जो ग्रीन कलर में ये सिल्क रहेंगे, ये वाइक्रिल है, ये जो येलो कलर में है ये क्रोमिक रहेगा हमारा, और ये जो नीले कलर में है तो ये रहेंगे हमारे प्रोलिन। तो यहाँ पे हमने वाइक्रिल, प्रोलिन और यही कॉमनली हमारे ओटी के अंदर यूज होते हैं ये सिल्क में। अब हम जानेंगे कि जो मटेरियल यूज होता है सूचर बनाने में तो वो कौन कौन सा है, तो इसको किस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार से इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सूचर मटेरियल के बारे में। एक रहेगा नेचुरल, जो मिलता है हम बनाते हैं, तो एक नेचुरल रहता है, एक रहता है सिंथेटिक और एक रहता है मेटल का। नेचुरल गिटगट रहती है उनका बनता है, और जो सिंथेटिक रहती है वो पॉलीमर रहते हैं उनका बनाया जाता है, और जो एक रहता है हमारा स्टील का, स्टेनलेस स्टील का, तो वो वायर आता है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के हो गए। दूसरा रहेगा ये घुलने के आधार पर, तो ये घुलने के आधार पर भी दो प्रकार के रहेंगे, ऑब्जॉर्वेबल और नॉन ऑब्जॉर्वेबल। ये सिल्क है तो ये रहेगा नॉन ऑब्जॉर्वेबल, ये प्रोलिन नीले कलर में आता है ये भी रहेगा नॉन ऑब्जॉर्वेबल, ये वाइक्रिल वायलेट कलर में आता है ये सब ऑब्जॉर्वेबल रहेंगे, ये हमारा कैटगट ये भी ऑब्जॉर्व रहेगा। तो इनको हमें सूचर करने के बाद में निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही घुल जाते हैं। और ये जो सिल्क हैं, प्रोलिन हैं और ये नाइलॉन है, तो ये रहेंगे नॉन ऑब्जॉर्वेबल। तो इनको लगाने के बाद में 6-7 दिन बाद में इनको हमें रिमूव करना पड़ता है। तो एक तो हो गया हमारा मटेरियल के आधार पे, तो ये हो गया हमारा हमारा नेचुरल, सिंथेटिक और मेटल। दूसरा हो गया घुलने के आधार पे, तो ये दो प्रकार के रहेंगे ऑब्जॉर्वेबल और नॉन ऑब्जॉर्वेबल। तीसरा टाइप रहेगा इनका फिलामेंट के आधार पे, तो ये जो सूचरे हमारे दो प्रकार के आते हैं, एक तो आता है मोनोफिलामेंट और एक आता है मल्टीफिलामेंट। जो मोनोफिलामेंट रहता है वो एक रेशे का बना रहता है, जिस प्रकार जैसे कि मैं इसमें दिखाता हूँ, ये प्रोलिन है, ये मोनोफिलामेंट रहेगा, इसमें सिर्फ एक ही रेशा रहेगा। आप दिखाओ इसमें, ये सिर्फ एक रेशे का बना है, इसमें एक धागा है, तो ये रहेगा मोनोफिलामेंट। और ये जो हमारा सिल्क है ये रहेगा हमारा मल्टीफिलामेंट, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा रेशे हैं, धागे हैं, उससे मिलकर ये बना है। देखो ये हमारा प्रोलिन है नीले कलर का, ये मोनोफिलामेंट है और ये सिल्क है, इसमें एक से ज़्यादा ये धागे हैं, रेशे हैं, तो ये रहेगा हमारा मल्टीफिलामेंट सूचर। तो ये हो गया हमारा मल्टीफिलामेंट और मोनोफिलामेंट के आधार पे दो प्रकार के, और घुलने के और ना घुलने के आधार पर ये ऑब्जॉर्वेबल नॉन ऑब्जॉर्वेबल, ये फेट के आधार पे इसको डिवाइड करते हैं। और एक रहता है कोटेड के आधार पे, तो इसके ऊपर जो सूचर है हमारा इस पर कोटेड चढ़ा रहता है, तो ये जो वाइक्रिल है इस पर कोटेड चढ़ा रहेगा, इसको हम कहेंगे कोटेड। और एक रहता है ये प्रोलिनिन पे कोटेड नहीं रहता, तो इसको कहेंगे हम अनकोटेड सूचर। अब हम जानेंगे कि कॉमनली हम ओटी के अंदर कौन कौन से सूचर यूज करते हैं। तो सबसे पहले रहेगा ये हमारा सिल्क, ये ब्लैक कलर का आता है और ये नॉन ऑब्जॉर्वेबल रहेगा और ये मल्टीफिलामेंट रहेगा, इसमें एक से ज़्यादा रेशे रहेंगे, और ये कटिंग में और राउंड बॉडी दोनों में आता है। इसको सूचर लगाने के बाद में निकालना पड़ता है, और इसको मोस्टली हम स्किन पे यूज करते हैं। और दूसरा
इसको ऐसी जगह पे यूज नहीं करेंगे जहाँ पे इन्फेक्टेड पार्ट हो, क्योंकि ये इन्फेक्शन को और कोच करता है। दूसरा रहेगा हमारा कॉमनली यूज होने वाला वाइक्रिल, तो ये रहेगा अब्जॉर्बेबल सूचर और ये मल्टीफिलामेंट रहता है, और इसको अंदर हम टिश्यू के अंदर लगाएंगे या फिर जो हमारी गट है उसके अंदर लगाएंगे और इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारा क्रोमिक कैटगट, तो ये भी ये मोनोफिलामेंट रहेगा और ये अब्जॉर्बेबल रहेगा, तो इसको हमें रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको हम चेहरे पे यूज कर सकते हैं और अंदर एब्डोमेन में यूज कर सकते हैं। चौथा रहेगा प्रोलिन, ये मोनोफिलामेंट रहता है और ये नॉन ऑब्जॉर्बेबल रहता है, तो इसको हम ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ को बनाए रखना पड़ता है और इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको हम स्किन पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हर्निया है तो हर्निया में इसको यूज करेंगे। रहेगा हमारा नाइलोन और ये ब्लैक कलर में आता है इस प्रकार से, और ये मोनोफिलामेंट रहेगा। और ये कटिंग करते हैं तो दो प्रकार की नीडल रहती है हमारे पास, एक तो रहती है कटिंग में और एक रहती है राउंड बॉडी में। जो अंदर एब्डोमेन के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर हम और टिश्यू के अंदर जो सूचरिंग करते हैं, तो वो राउंड बॉडी से हम मोस्टली सूचरिंग करते हैं, और स्किन में हम करेंगे ये कटिंग बॉडी नीडल से, क्योंकि ये आसानी से नीडल स्किन में हमारी निकल जाएगी, पार हो जाएगी, जबकि ये राउंड बॉडी से हम स्किन में सूचर नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से तो रहेगी राउंड बॉडी, ये गोल रहती है और ये जो कटिंग बॉडी नीडल है तो ये साइड में कट रहती है, तो ये आसानी से प्रिक हो जाती है स्किन में।